हमारे गांव में 16-17 जाति के लोग रहते हैं। 16-17 जाति के लोग, हम लोग का किसी तरह का भेदभाव नहीं है। शादी विवाह या कोई भी कार्य में हम लोग साथ बैठ उठ करके खान पान सब एक समान करते हैं। हाँ, धर्म का भी भेदभाव नहीं है। जब धर्म का भेदभाव रहता तो हम लोग मस्जिद में जाते गौर लगने के लिए, स्वयं सोच सकते हैं। नहीं है तो ना, सबसे पहले मस्जिद में जाते हैं, उसके बाद अपना हिंदू धर्म वाला देवी स्थान हो या गोरैया स्थान हो, जहाँ भी हम लोग जाते हैं। जब इस तरह का भेदभाव रहता तब तो हो ही गया। माड़ी एक ऐतिहासिक बस्ती है। ये नालंदा जिला के बेन पंचायत में ये गांव है। पहले पंचायत इसी नाम पर था, अभी 8 पंचायत के अंदर में ये गांव है। माड़ी गांव का ऐतिहासिक मजार है इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का, और वहां पर एक मस्जिद है। मस्जिद की जो बड़प्पन है, खूबी है, गंगा जमनी तहजीब है, वो ये है कि वहाँ पर जो मस्जिद है उसका देखरेख वहाँ पर के गांव के लोग, हिंदू वासी लोग करते हैं। उसमें समय पर अजान दिलवाना, नमाज करवाना, ये सारा काम उन लोग करते हैं। गांव में मुस्लिम की आबादी नहीं के बराबर है। कुछ कुछ लोग आसपास के अगर जाते हैं तो वहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन 5 टाइम में नमाज का काम, अजान का काम गाँव के लोग करते हैं। और करीब करीब 250-300 साल पहले तो जरूर मस्जिद बनी है। इस गांव में मुहंडम लोग 82 तकला यहाँ थे। कुछ लोग थे, सब लोग तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे। 82 के बाद यहाँ से लोग चले गए। उस मस्जिद का देखरेख पहले वो अथी नवान वगैरह पढ़ते थे, वो साहब मियाँ नाम के यहाँ पीन थे। तो उसका बदली हो गया बिहार से, वो चला गया था। 2-4-5 साल से 3 आदमी इस मस्जिद का देखरेख कर रहे हैं। हिंदू। हाँ, अनजान 2-4 बजे पड़ता है सुबह शाम में, उसको बाद 2 बजे दोपहर के, उसको बाद सवेरे 7 बजे देता है। वो भी साउंड से होता है, माइक लगा हुआ है। वो लोग बखोरी जमादार, गौतम प्रसाद बखो और अजय पासवान, ये अपना सहमत से ये लोग बाजा लगाएगा। इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार है, उनके आगमन से पहले वह गांव मंडी के नाम से जानी जाती थी। आज भी वो मंडी के नाम से, ऐतिहासिक नाम उसका है। और वो मंडी नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी की मंडी हुआ करती थी, बाजार हुआ करता था। स्टूडेंट्स, टीचर्स वहां पर सामान लेने के लिए बाजार में जाया करते थे। वो एक बहुत बसी हुई गाँव थी, बस्ती थी। परंतु वहाँ का जो दुखद स्थिति था कि बराबर वो नदी से, वहाँ पैमार नदी पार होती है, उससे वो बराबर बह जाता था, डूब जाता था, या फिर आग से कभी कभी जल भी गया था। तो ये एक दो बार इस तरह से हुआ था। लेकिन जब से वो इस्माइल साहब वहाँ पर आए हैं, वो सऊदी अरब से आए थे, तब से वहाँ पर उस गांव में किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। और वो गाँव आज के दिन में बसी हुई बस्ती है, और उसके वजह से उसका बहुत वैल्यू है।
शादी विवाह होता है कि हम लोग जो पूर्वज से देखते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले मस्जिद में गोर लगेला के बाद अपना देवता देवी हिंदू धर्म का जो है वहाँ हम लोग गोर लगाते हैं सबसे पहले, लेकिन यहाँ लगाते हैं। लड़का के शादी हो जाएगा, बारात जाएगा तो पहले यहाँ लगेगा, फिर गुरैया स्थान, देवी स्थान, ये सब लगेगा। और जो बाहर से लड़का आएगा, बारात आएगा, उसका भी सबसे पहले यहाँ लगाया जाता है और उसके बाद है जो हिंदू धर्म का देवता देवी में जाता। गलफुल्ली हो गलो पोती ही तो गलफुल्ली हो गए तो दरगाह बाबा के कृपा से ठीक हो जा है तो आके मिश्री उश्री उनका चढ़ा देवल जा है तो वही ला लिए है। वो एक पत्थर वहाँ जर मुहरा रखा हुआ है तो देखे होंगे तब खिया करके चुबदी चुबदी बना हुआ, किसी का गाल फूल जाता है तो उसको लगा करके रगड़ करके लगाता है तो शायद ये फूलना बंद हो जाता है, कम जाता है, उसका खूबी वो पत्थर में है। और जो पत्थर था ना दूसरे गांव वाला चोरी करके लेके भाग गया, उसके बाद कुछ उसको क्षति हुआ तो फिर पत्थर को रिटर्निंग दे दिया, घर गया अपने से, तब लोग उसी को फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का जो अथी होता है, मर्डर हो गया वह सुनते हैं ढेर सा पुलिस को मार दिया, ये किया वो किया, 12 किया 17 किया, राम अथी राम अथी कुछ है जी राम राम मंदिर कुछ निकला था अथी बजरंगी दल, हाँ बजरंगी दल, तो उन लोग में प्रशासन का क्या छूट था क्या था वो था वो तो विशेष हम नहीं बता सकते हैं उसके बारे में। अरे देखिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, आपके भी दोनों का साई बन जाता है। हाँ। वो तो अच्छा नहीं लगता है, वो तो गुंडा लोग वैसा करते हैं, चाहे हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का हो, वो तो दंगा फैलाना जानते हैं। ए दुमरामा गांव बोलता है तो वहाँ का हिंदू लोग जो मस्जिद था ना तो तोड़ ताड़ के मतलब बराबर कर दिया, लेकिन ये लोग तोड़ने के बाद ये लोग के क्षति हुआ, हिंदू लोग के बहुत क्षति हुआ, क्षति हुआ तो फिर अब कहाँ हुआ नहीं हुआ, लेकिन तोड़ तो दिया ना। हम लोग तो सेवे करते हैं, यहाँ के ग्रामीण तो सोच भी नहीं सकते क्या दिक्कत उसे, थोड़ी जगह जमीन की यहाँ कमी है क्या, उससे क्या देवी देवता के स्थान को कवर करना ये सब अच्छा बात ना है, समझे ना, जैसे है वैसे है, बरकरार है वैसे ही रहेगा, कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। कोई है जो बाहरी आदमी आक्रमण करना चाहता है मस्जिद पर तो वो होने वाला नहीं है, ना हुआ है।